अच्छा हर कोई जो है वीएलसी पे कनेक्ट हो गया, ठीक है अब कनेक्ट पे ओके करो, 1 2 3 लिखो, ओके करो पासवर्ड में। हां अगर देयर क्वेश्चन इज पासवर्ड मत बी एसएस। ठीक है अभी कितने लोगों का हो गया, दोबारा करो जिसका नहीं हुआ, एक्सेप्ट करता रहना उसको। 1 2 3 करो, कितने लोगों का कनेक्ट हुआ, ठीक है ठीक है तमाम लोगों के पास आइए, इससे तुम्हारे पास नहीं आया तुमने तो वैसे ढूंढा ही नहीं होगा, वैसे ढूंढा नहीं मिला। नहीं ये अभी तो फिलहाल नहीं है, ठीक है एक चीज और सुन लो कि अपने माउस को हर 2-3 मिनट बाद उसको जो है ना थोड़ा मूव करा देना, अदरवाइज स्क्रीन जो है स्लीप मोड पे चला जाएगा, ठीक है अगर आप कंटिन्यू एक चीज को देख रहे होते हैं उसको तो फिर कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो वापस स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा, ठीक है और कभी अगर ब्लैक हो भी जाता है तो फिर माउस को मूव कर देना स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है अब कंटिन्यू कर लो। सही है तो ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 18 पे स्टॉप हुए थे, ठीक है सो वेडिंग डेट इज फिक्स्ड, द किंग हैज टू बी रेस्क्यूड बिफोर द वेडिंग। अब चैप्टर 18 के अंदर जो आपको बात पता चलेगी वो ये है कि वेडिंग डेट जो है इनकी फिक्स हो जाती है और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे हैव टू रेस्क्यूड द किंग, इनको किंग को बचाना होगा शादी से पहले पहले ताकि किंग ओरिजिनल किंग को जो है वो ला सकें। The Duke is furious about the news of the wedding. There are more calls among the Duke Antony and Rupert Hanzo. अब चूंकि Duke Michael जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा furious होता है after listening this news of wedding, तो और ज़्यादा जो है वो इस वजह से उनके अंदर जो calls हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। द किंग इज़ वेरी इल, बादशाह काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमार हो चुका है, डॉक्टर हु इज़ अटेंडिंग द किंग इज़ ऑल्सो प्रिजनर एट द कैसल, लेजेंडाइल प्लान्स टू रेस्क्यू द किंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो वी सी दैट के इस चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा और डॉक्टर जो है वो जो कि उसको उसकी बीमारदारी के लिए रखा गया उसके इलाज के लिए रखा गया वो जो है वो भी कैसल जो किला है उसके अंदर जो है वो कैदी की तरह ही रखा गया उसको, ठीक है। रेजेंडाइल प्लान्स टू रेस्क्यू द किंग, रेजेंडाइल जो है वो प्लान करता है कि वो जल्द से जल्द किंग को जो है क्या करेगा रेस्क्यू करवा देगा यानी छुड़वा देगा। उसके बाद जब हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे देखेंगे पढ़ेंगे तो हमें पता ही चलेगा कि रेजेंडाइल सेफ्ट एंड फिट्स कैरी आउट अ प्लान टू रेस्क्यू द किंग। रेजेंडाइल सेफ्ट एंड फिट्स जो है वो अपने जो उन्होंने प्लान किया होता है उसको दे स्टार्टेड टू रेस्क्यू द किंग और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं वो। रेजेंडाइल सेट आउट अलोन, रेजेंडाइल जो है अकेला ही जो है वो जाता है रवाना हो जाता है। ही रीचेस रेंडर कैसल एंड क्लाइम्स डाउन द इनटू द मोट। रेजेंडाइल जो है वो अकेला ही जो है वो रवाना हो जाता है किंग को बचाने के लिए और वो पहुंचता है रेंडर कैसल के अंदर और वहां पे रेजेंडाइल सीज रूपर्ट इन एंटनी रूम। रेजेंडाइल जो है वो रूपर्ट को देखता है कि वो एंटनी ड्यू मैगन के जो है रूम में मौत हो गए। इसी चैप्टर में फिर हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। शी इज एंग्री, शी कौन है यहाँ पे एंटनी ड्यू मैगन है। ब्लैक माइकल कम्स इनटू द एंटनी रूम, रूपर्ट लीव्स। ब्लैक इसी पूरे सिनेरियो के अंदर जो है वो ब्लैक माइकल की मुलाकात जो है वो एंटनी मैगन से होगी और जब उसकी मुलाकात हो रही होगी तो रूपर्ट जो है जिसको रेजेंडाइल देखता है कि एंटनी के रूम के अंदर है वो वहां से चला जाता है। रूपर्ट एंड Rigondet leaves the castle and then Rezendahl sees Rupert in the moat. Rupert swims in the direction of Antony's room. ठीक है Rupert and Rigondet जो है वो castle वहाँ से चरवाना हो जाते हैं किले को छोड़ के चले जाते हैं। Then Rezendahl sees Rupert in the moat और Rezendahl की नजर जो है वो Rupert
पे पड़ती है जो कि वहां मोड पे मौजूद है। रूपर्ट स्विम्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ एंटनीज, ठीक है। रूपर्ट जो है वो एंटनीज के जो रूम है उसकी तरफ जो है वो पड़ता है। उसके बाद चैप्टर 20 की जब हम बात करेंगे तो रिजेंडाइल की फाइट, रिजेंडाइल फाइट ब्रेवरी टू सेव द किंग, रिजेंडाइल की जो लड़ाई है होती है और बहुत ही बहादुरी के साथ रिजेंडाइल जो है लड़ाई लड़ता है इन ऑर्डर टू सेव द किंग। द लाइट गोज आउट इन एंटनीज विंडो एंड द टेरिबल स्क्रीम इज हर्ड, ठीक है। एंटनी यानी कि वहां पर जो है अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और एंटनीज विंडो एंड द टेरिबल स्क्रीम इज हर्ड, एक खौफनाक सी चीख सुनाई देती है। The Duke and Rupert start fighting in Antony's room. Rupert और Duke की लड़ाई जो है वो और Antony Dimbivan के रूम में जो है वो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। Other men join the fight. उसके जो मजीद साथी होते हैं उस fight को join कर लेते हैं। Rupert jumps out the window and into the moat. Rizendale kills Digotted. और वहाँ पे जो है वो Rupert भागने की कोशिश करता है और jump मारता है window से और moat के अंदर गिर जाता है। Rizendale kills Digotted. Digotted जो है वो मारा जाता है Rizendale के हाथों। He takes the keys from Digotted and goes to save the king. Rizendale also kills Ursanen and Descartes. Rizendale is wounded. अब यहाँ पर बहुत bravely जो है वो fight कर रहा है Rizendale, और इसी chapter में ये पता चलेगा कि Rizendale जो है वो Ursanen और Descartes को भी जो है वो मार देगा और Rizendale काफी हद तक जो है वो जख्मी है, ठीक है? Sir, बोल Sir, second point पे that Duke and Rupert क्यों लिखा है? Duke से लड़ाई हुई थी। सेकंड पॉइंट पे दैट ड्यूक एंड रूपर्ट है स्टार्ट फाइट, इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मैं बता रहा हूं ना, जैसे इसमें पीछे उन्होंने पॉइंट बताया था कि जब उनको पता चलता है कि यानी कि वेडिंग के बारे में न्यूज़ पता चलती है तो एंटनी डिविवैन, रूपर्ट और जो ड्यूक है इनकी आपस में बहुत सारी फाइट्स होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो इनके दरमियान भी लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। उसी पूरे सिनेरियो का फायदा उठाता है रिजेंडाइल और उनकी बहुत ब्रेवली जो है वो सबको मारता चलाया था। ड्यूक माइकल इज डेड एंड रूपर्ट इज प्लीज सेफ्ट एंड हिज पार्टी रीच टू द न्यूकैसल। ड्यूक माइकल अब मर चुका है, ठीक है। रूपर्ट इज प्लीज क्योंकि रूपर्ट इसको देख मतलब ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश था। सेफ्ट एंड हिज पार्टी रीच टू द न्यूकैसल, सेफ्ट और उसके जो साथी हैं वो उस किले पे पहुंचते हैं। एंटनी एंटनी शूट्स द रूपर्ट बट शी मिसेस। रूपर्ट और ड्यूक माइकल तो दोनों मतलब फ्रेंड होते हैं ना, ये लोग तो इनके दरमियान लड़ाई किस वजह से होती है? ये वेडिंग की जब न्यूज आती है तो एंटनी डिमिवैन जो है वो चाहती है कि किसी तरीके से जो है वो ब्लैक माइकल को जो है वो मतलब उसको मार दे या उसके साथ कुछ करे, उसकी लड़ाई हो, क्योंकि वो उसके खिलाफ हो जाती है। यानी कि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये किंग को मार के फ्लेविया से शादी करे, ठीक है। तो इस वजह से तो रूपर्ट जो है वो एंटनी डिमिवैन का साथ देता है, इस वजह से उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। इसके बाद ब्लैक माइकल भी जो है वो रूपर्ट के हाथों मारा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर आखिर में एंटनी शूट बैन जो है वो रूपर्ट को भी मारना चाहती है, ठीक है, मगर वो मार नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि रूपर्ट वहां से भाग जाता है। रिजेंडाइल दो वेरी वीक चेसेस आफ्टर रूपर्ट, रिजेंडाइल अटैक्स रूपर्ट एंड ही गॉट ऑलमोस्ट गेट किल्ड। फ्रिट्ज रीचेस देम इन अ टाइम टू सेव रिजेंडाइल। इसी दौरान जो है उसका उसकी जो इंटरेक्शन है रिजेंडाइल से होता है, रिजेंडाइल जो है वो उसको मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान जो है वो रिजेंडाइल के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फ्रिट्ज वहां पे पहुंच जाता है जो कि उसको वहां पे उसको बचा लेता है, ठीक है। उसके बाद द किंग इज सेफ, चैप्टर नंबर 22 में पता चलेगा कि किंग जो है वो उसको बचा लिया गया है। प्रिंसेस फ्लेविया हिट्स हैंड, द किंग इज सीरियसली वाउंडेड। प्रिंसेस फ्लेविया को पता चलता है कि किंग जो है बहुत ज्यादा जख्मी है। शी राइड्स टू जेंडा विद द मार्शल एंड सम गार्ड्स, कर्नल सेफ नीड्स द हाफ वे। वो इसी चीज को सुनने के बाद जो है फौरन उस कैसल की तरफ बढ़ती है यानी जेंडा की तरफ, और उसको पता चलता है जब इस बारे में अपने गार्ड्स के साथ। कर्नल सेफ उसको आधे रास्ते में उसकी मुलाकात कर्नल सेफ से होती है। प्रिंसेस फ्लेविया लर्न्स दैट ट्रुथ अबाउट रिजेंडाइल, और यही चैप्टर में उसको पता चलेगा कि प्रिंसेस फ्लेविया को कि रिजेंडाइल इज नॉट द रियल किंग, ठीक है। उसको यहाँ पे बात पता चल जाएगी कि रिजेंडाइल जो है वो रियल किंग, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 23 के अंदर हमें ये बात पता चली कि द किंग थैंक्स रिजेंडाइल फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड द थ्रोन। किंग जो है बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होता है रिजेंडाइल का उसका उसकी लाइफ बचाने के लिए और उसका जो तख्त और ताज है उसको बचाने के लिए। प्रिंस टेक्स रिजेंडाइल टू सी प्रिंसेस फ्लेविया हु इज वेटिंग फॉर हिम इन अदर रूम, ठीक है। प्रिंस जो है वो रिजेंडाइल को लेकर जाता है
प्रिंसेस फेल। अच्छा रिजेंडाइल की जो जॉब लगने वाली होती है वो उसको भी उस ऑफर को भी जो है वो क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है और अपनी जो बाकिया जिंदगी है वो बहुत सुकून अंदाज से अपने इंग्लैंड में जो है जाना शुरू करता है। ही स्टिल लव विद प्रिंसेस फ्लेविया, वो अभी तक जो है वो प्रिंसेस फ्लेविया से जो है वो लव करता है। वंस हियर ही मीट्स फ्रिट्स एंड हिज वाइफ एट अ स्मॉल टाउन आउटसाइड रिटेनिया, दे टॉक अबाउट इट ऑल टाइम्स एवरी ईयर कोइंग फ्लेविया एंड रिजेंडाइल एक्सचेंज रेट। और फिर इस तरह से जो है वो उसकी हर साल मुलाकात जो है फ्रिट्स और उसकी वाइफ से होती है और वो अपनी पुरानी कहानी को ओल्ड टाइम्स को याद करते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है वो फ्लेविया और रिजेंडाइल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो मूवर्स का जो तबादला है वो उनका चलता रहता है। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 44 है वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ द, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी एक इट वॉज जस्ट समराइज वे ऑफ नॉवल, ठीक है। And in this, with the help of the slides, you can understand the basic chunk of the novels and basic chunk of the every chapter, basic point of the every chapter. Okay. So I will share this these slides with you also. If you give me your email addresses or whatever the means of communication you have, so that I can share this these slides with you, and you can go through these slides. And after going through this these slides, you can just go through all the summaries which are given. In the back of your book, okay. Have you started reading or not? Yes. So how many of you have completed half of the summaries? कितने लोग हैं जिन्होंने आधी से ज़्यादा summaries पढ़ ली हैं? 20%. Start का मतलब क्या है? Have you read the first line? ये भी तो start ही हो सकता है ना, first line पढ़ी start होगी. चार पांच summaries start होगी. ठीक है, तो उसको पढ़ लें उसके, जब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर मुझे बता दीजिएगा, जब सब लोग पढ़ लें उसको एक दफा समरीज को तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको क्लास में समरीज जो बुक में समरीज है उसको भी डिस्कस करूं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? वो तो सर कभी नहीं आएगा, ये तो आप देखिएगा, ठीक है जनाब। इसको स्टॉप करना है, स्टॉप कैसे करेंगे? इसको स्टॉप करना है। बुक है कि नहीं? बस नॉवेल है, नॉवेल है।